नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियां अपनी अपनी टीम को मजबूत करने में लगी हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी की छवि पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की जो छवि राजस्थान में बनी है, क्या वो खराब हो जाएगी? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मिल जाते थे इस बार नहीं मिलेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जोरों शोरों पर चुनाव जीतती चली आ रही है, कर्नाटक के चुनाव हो या राजस्थान के। उम्मीद यही लग रही है कि इस बार भी राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन क्या भाजपा पार्टी इस बार पूरी उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रही है? इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में कई जगह सरकार बना चुकी है, जिससे उसका पड़ा भी भारी दिखता चला आ रहा है। तो इस बीच देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर इस बार वोट किसको मिलते हैं, कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से पारित होती है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, देखिए वो रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने एक महीने के लिए महाजनसंपर्क अभियान के श्री गणेश का जो प्रस्ताव मोदी को भेजा था, उसमें मोदी की रैली हैदराबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन मोदी ने उसे बदल कर राजस्थान के अजमेर में रखने को कहा। इसके पीछे मोदी का संदेश साफ था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार का नेतृत्व खुद करेंगे और अशोक गहलोत से सीधे दो दो हाथ करेंगे। पिछले 8 महीने में जिस तरह से उन्होंने 5 रैलियां राजस्थान में की, वैसे ही अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 6ठी रैली अजमेर में करके राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली। 31 मई को अजमेर में रैली कर मोदी ने बता दिया कि 2023 के अंत में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल जैसे, जिसे मोदी किसी भी स्थिति में हराना नहीं चाहते। राजस्थान में जीत मोदी की 2024 में वापसी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। वैसे ही राजस्थान में भाजपा की विफलता मोदी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो देखा आपने, तो क्या इस बार भी राजस्थान में या जिस प्रकार अन्य जगह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखकर वोट मिल जाते थे, इस बार राजस्थान में भी वोट मिलेंगे? क्या आम आदमी पार्टी अपना जलवा नहीं बिखेर पाएगी? कांग्रेस पार्टी क्या इस बार कम वोटों से जीतेगी? देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।